आज आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही हेल्दी इडली की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे मूंग दाल के साथ और ये फटाफट बन के रेडी हो जाती है, एकदम जैसे रुई जैसी ये सॉफ्ट बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे बनाना सीखते हैं कि घर पर हम मूँग दाल इडली कैसे बनाएँ। बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के जितना मूँग दाल को भिगो के रख दिया है। आप 2 से 3 घंटे भिगो के छोड़ सकते हैं, ये बहुत ही आराम से फूल जाती है 1 से 2 घंटे में। तो यहाँ पे इसे अच्छे से 1 से 2 बार धो लीजिए, इसका पानी छान लीजिए और इसे मिक्सी में डाल के आपको इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप पीसते वक्त। बाकी जब भी हम मूंग दाल को मिक्सी में डाल के चलाते हैं उसमें खुद भी पानी होता है, पीसते वक्त थोड़ा ही पानी ऐड करें, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत रनी बैटर हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के जितना दही, मैंने घर की ही जमी हुई दही यूज़ की है। इसे भी अच्छा से फेंट लेंगे, कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए दही में, अच्छे से इसे स्मूथ बना लें। आप चाहे तो बाज़ार वाली भी दही यूज़ कर सकते हैं। एकदम अच्छे से फेंट लेंगे। जो चावल वाली इडली होती है ये उससे ज़्यादा जल्दी बनती है, उसको जैसे खमीर उठाने में लग जाता है टाइम, ये मिनटों में बन के रेडी हो जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के जितना सूजी। तो पूरे मिक्सचर में आपने देखा 1 कटोरी के जितना मूंग दाल ली थी, 1 कटोरी के जितना दही लिया था और 1 कटोरी के ही जितना हम सूजी डालेंगे। अब आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इडली का बैटर वाली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है, मूंग दाल इडली है, थोड़ा सा हल्दी का कलर ऐड करने पे ना थोड़ी सी येलो येलो बनती है, अच्छी लगती है और पता चलता है कि हाँ किसी पीली चीज़ से बनी है, मूंग दाल से बनी है। तो ऑप्शनल है, आप मन करे तो डालिए, नहीं मन करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका हल्का सा पीला रंग आएगा क्योंकि मूंग दाल की इडली है। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद जब खोल के चेक करेंगे तो थोड़ा सा सूजी गाढ़ी हो मतलब फूल चुकी होगी, बैटर गाढ़ा हो चुका होगा। आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं इसका परफेक्ट मतलब कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो ये मुझे गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। पानी अंदाजे से ऐड करें, एक बार में बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। तो जैसा मतलब एक पैन केक या फिर आप मान लो इडली डोसे वाला बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है बस उतना ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मतलब बैटर बिल्कुल रेडी है इडलियाँ बनाने के लिए। अब बारी आती है इसकी इडलियाँ बनाने के लिए, तो हम देख लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो जिस पॉइंट पे आपको इडली बनानी हो ना उसी पॉइंट पे आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें स्वादानुसार, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। दोस्तों आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून के जितना। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी हम इडलियाँ बनाते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा लाइट एंड फ्रॉथी लग रहा है, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है इडलियाँ बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इडली का स्टैंड ऑलरेडी पानी डाल के चढ़ा दिया, उसकी जो प्लेट्स हैं उसे हम ग्रीस कर लेंगे घी से या फिर जिस भी तेल से आप ग्रीस करना चाहें, और इस बैटर को हम डालेंगे उसमें। तो मैंने ऑलरेडी प्लेट्स को ग्रीस करके रखा है घी से, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर डाल देंगे। आपको जब भी ये बनाना हो दोस्तों उसी पॉइंट पे बेकिंग पाउडर डालें, पहले से डालेंगे ना, जैसे रात में अगर डाल के रख दिया और सोचोगे सुबह बनाएंगे एकदम फूली फूली बनेंगी, ऐसा नहीं होगा। आप ये बैटर एज इट इज़ मतलब बेकिंग पाउडर या नमक डालने के पहले ही रात में ऐसे रख सकते हैं, सुबह उठ के डाल के तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अच्छी बनेंगी। अब इसे हम स्टीम करेंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत ही आराम से ये बन के रेडी हो जाती है और बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है और एकदम सुपर सॉफ्ट जैसे रुई की तरीके से बनती हैं, एकदम मुंह में घुल जाती हैं और खा के बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं फील होता, बहुत लाइट फील होता है। तो एक तरीके से बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। तो 15 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी, ये देखिए इडली एकदम से फूल गई हैं और हल्दी की वजह से मूँग की वजह से कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अब इसे आप 5 से 10 मिनट का ना रेस्ट चाहे तो बाहर निकाल के भी दे सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। रेस्ट देने के बाद निकालोगे बहुत ही आराम से निकालेंगी, अगर आप गर्म पे निकालोगे तो अक्सर होता है टूट भी सकती हैं, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें मतलब 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद निकालें बहुत आराम से निकालेंगी। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी बैचेस तैयार करिए, देखिए हर बैच बिल्कुल परफेक्ट बन के निकला है और इसे आप इन्जॉय कर सकते हैं चटनी, कोकोनट चटनी के साथ, सांभर के साथ या फिर किसी भी तरीके की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे मैंने गर्मा गर्म निकाल लिया सारा का सारा और इसके साथ आज मैंने बनाया था सांभर और कोकोनट चटनी। तो सांभर और कोकोनट चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखी है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेक करें, वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। आई एम श्योर आप सभी को वो भी बहुत पसंद आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है,
एकदम स्पॉन्ज की तरीके से वापस से अपना शेप ले रही है। आप इसको कितना भी दबाओ एकदम वापस से अपनी शेप में आ जाती है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो इन्जॉय कीजिए ये मूंग दाल इडली की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय दिस रेसिपी। और आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ईट हेल्दी।